फ्रेंड इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपके लिए आपकी इस वीडियो में लेकर आया हरियाणा जीके का बैच शुरू हुआ है। तो हम जिले वाइज विवरण परिचय हरियाणा के जिलेवार विवरण करेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और इस चैनल पर आपको हरियाणा के 22 के 22 जिलों के जो जीके है वो मैप के साथ करेंगे, और ताकि मैप के साथ आसानी से याद हो जाता है, और इसलिए आपको ये इस चैनल पर बने रहिएगा। और तो आपको मतलब वीडियो मिलती रहेगी टाइम टाइम। तो यहाँ फतेहाबाद ज़िले की आज पहला जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा फतेहाबाद ज़िले के बारे में होगा। हम बेसिक नॉलेज के साथ याद करने का प्रयास करते हैं मैप के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आगे, हरियाणा पुलिस हो चाहे कोई भी हरियाणा की वैकेंसीज निकलती है, जो आपका कॉमन टेस्ट रखती है उसके लिए भी, तो ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा हम ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरुआत करते हैं। फतेहाबाद ज़िले जिलेवार विवरण हमारा हरियाणा जीके का पहला क्लास, और आपको और भी क्लास इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और किताब से पढ़ने से एक अच्छे तरीके से याद होता है, बाकी चैनल पर आपको वैसे डिजिटल लाइनों में पढ़ाया जाता है वो याद नहीं रहता, तो किताब का पढ़ा अच्छा याद रहता है, इसलिए मैं किताब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। बहुत कम चैनल पर आपको हरियाणा जीके इस प्रकार किताब में इसे देख कर पढ़ने को मिलेगी, तो देखिएगा। सबसे पहले कोई भी जगह की बात करते हैं तो उसकी लोकेशन की बात करते हैं। हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है, हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है, देखिएगा मैप के अंदर लोकेशन देख सकते हैं आप, ये देखिएगा। तो ये आपका ये जो आपका फतेहाबाद ज़िला ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसकी जो पश्चिम में है यानी कि अगर इस साइड क्या है आपका पूर्व है, डायरेक्शन हम बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो पश्चिम डायरेक्शन में पड़ता है आपका, पश्चिम के अंदर, ठीक है। तो ये फतेहाबाद कहाँ पड़ता है, पश्चिम के अंदर पड़ता है। और इस पूर्व जींद, इसके पूर्व में जींद है, देखिएगा जींद आपको दिख ही रहा है, ये जींद देखिएगा मैप में, तो जींद आपको दिख रहा है यहाँ, देखिएगा जींद यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। पूर्व में जींद है, और आगे बताता है कि दक्षिण में हिसार है, दक्षिण में देखिएगा यहाँ हिसार है। और उसके बाद में और जिला राजस्थान राज्य पश्चिमी सिरसा जिला देखिएगा, जो कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री लगती है नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कि राजस्थान के साथ फतेहाबाद की बाउंड्री लगती है नहीं, ये देखिए लगती है, सिरसा के साथ लगती है, ठीक है, पंजाब के साथ लगती है। ऐसे पूछेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी जो सीमा है दो राज्यों से लगती है, तो ऐसा कौन सा ज़िला है, फतेहाबाद ज़िला है। सिरसा भी ऐसा ज़िला है, लेकिन फतेहाबाद का भी देखिएगा राजस्थान के साथ लगता है, और यहाँ पंजाब के साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिएगा कहता है क्या है, और उत्तर में पंजाब राज्य का मानसा ज़िला यानी कि फतेहाबाद के साथ कौन सा ज़िला लगता है, मानसा ज़िला स्थित है। स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग कर नया ज़िला बनाया गया, तो हिसार जो इसके दक्षिण में स्थित है उससे अलग करके 15 जुलाई 1997 को नया ज़िला बना दिया गया, पहले हिसार के अंदर ही शामिल था ये। और 2538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और मुख्यालय की बात करें तो फतेहाबाद ज़िले का मुख्यालय फतेहाबाद में ही है। और यहाँ बात करें उपमंडल टोहाना रतिया, इनको मैप के साथ देखेंगे, देखिएगा जो मैप के साथ देखने का प्रयास करें तो उपमंडल फतेहाबाद बुन्ना और आपका ये क्या हो जाएगा रतिया, रतिया देखिए यहाँ पर पड़ता है आपका रतिया, देखिए लोकेशन के साथ शहरों का। और उसके बाद में हम देख लेते हैं क्या देखा है आगे, उसके बाद में उपमंडल टोहाना रतिया, उसके बाद में अगला कहता है फतेहाबाद टोहाना रतिया तहसील भी, तहसील भी कहाँ पड़ेगी, तीन जिलों फतेहाबाद टोहाना रतिया, मैप के अंदर देखेंगे कहाँ पर है, मैप के अंदर देखिए फतेहाबाद टोहाना, टोहाना जहाँ से क्या है भाखड़ा नहर है वहाँ पर, वहाँ से, ठीक है। और आपका टोहाना रतिया ये आपकी फतेहाबाद टोहाना रतिया, ये क्या तहसील है, तीन लोकेशन मैप के साथ देखिएगा आप, ठीक है, ये देखिएगा। और यहाँ सबसे बता दूँ कि बस सर्विस बहुत बड़ी है यहाँ से, अगर फतेहाबाद के अगर आप होगे तो आपको बताइए कि टोहाना से बस चलती है हर 15 या 10 मिनट के अंदर, यहाँ बस की बहुत बढ़िया सर्विस है, प्राइवेट और रोडवेज दोनों बस बहुत खतरनाक चलती है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, देखिएगा तहसील तो हमने देख ली, अब फतेहाबाद टोहाना रतिया, उप तहसील देखिएगा बुन्ना, बुन्ना भट्टुकला कुला जाखड़, तो इनको भी मैप में हम देखेंगे। खंड जो है फतेहाबाद टोहाना रतिया भट्टुकला बुन्ना जाखड़, प्रमुख गेहूं बाजरा चवा चावल और तिलहन और कपास की खेती यहाँ की जाती है, प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। जनसंख्या याद रखिएगा
2011। तो आपके और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें वो 371 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात की बात करें तो 902 है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है भाई ये, ठीक है। और साक्षरता दर की बात करें 67.92% है, और 0.06 वर्ष के जो बच्चे उनका लिंग अनुपात 833 है। उसके बाद में पृष्ठभूमि तथा अवस्थिति, अब बात करते हैं कि जो फतेहाबाद शहर 15 जुलाई 1997 को जिले के रूप में मान्यता मिली, और 17 नवंबर 1798 ईसा में प्रसिद्ध आक्रमणकारी तैमूर लंग ने फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। किसने किया था? तैमूर लंग ने। और फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल से ही है, और प्राचीन समय में इस क्षेत्र में भील जाति के लोग रहते थे, और यह क्षेत्र उदयनगरी के नाम से जाना जाता था। उदयनगरी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ग्रुप डी में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि उदयनगरी पुराना नाम क्या है, उदयनगरी। फिरोज शाह तुगलक की शाही काफिला मुल्तान से दिल्ली यानी सिरसा मार्ग से जाते हुए यहाँ रुका। 23 अगस्त 1351 को फिरोज शाह तुगलक के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म की खुशी वह अपनी फतेह पर यहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम फतेहाबाद रखा गया। नवजात शिशु का नाम फतेह खां के नाम फतेह खां पर रखा गया था, तो फतेह खां पर ही किसका नाम टिक गया, फतेहाबाद रखा गया। और पहले रानिया रियासत का हिस्सा था, और सन 1784 के बाद खान बहादुर खां भट्टी ने फतेहाबाद को मुख्यालय बनाकर फतेहाबाद की नई रियासत के रूप में स्थापना की थी। और हांसी के तत्कालीन जो अधिकारी मिर्जा इलियास बेग ने क्या किया था, यहाँ सन 1805 में फतेहाबाद पर आक्रमण किया। किसने किया था पूछेगा, 1805 में आक्रमण किसने किया था, मिर्जा इलियास बेग ने, वो हांसी के तत्कालीन अधिकारी मिर्जा, ठीक है, हांसी के जो मिलियाज बेग ने किया था। उसके बाद में कहता है सन 1805 में किया था फतेहाबाद पर आक्रमण किया। और क्या कहता है, 3 दिसंबर 1810 को कर्नल एडम ने फिर फतेहाबाद पर हमला किया, और इस बार अंग्रेज भट्टियों को हराने में कामयाब हो गए। फतेहाबाद का को हिसार डिवीज़न में मिला दिया गया, और फतेहाबाद में मुसलमानों द्वारा बनाए गए चमड़े के कुप्पे, तराजू, पल के पलड़े, मशक, कुएं से पानी खींचने वाले चमड़ा की चमचे, समूचे उत्तरी भारत में भारी मांग थी, ठीक है। सन 1963 में प्रथम कॉटन मिल स्थापित हुई, प्रथम 1963 में प्रथम कॉटन मिल स्थापित। फतेहाबाद में एक ब्लड बैंक बनना प्रस्तावित है। भाखड़ा नहर फतेहाबाद में सिंचाई होती है, और 40 हाफिज का मकबरा और संत मीर साहा का मज़ार फतेहाबाद में स्थित है। ये देखिएगा आप, ये मज़ार देख सकते हैं आप, यहाँ ये दिखा रखा आपका। आगे देखिएगा फतेहाबाद के किले और लाट फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र की जन्म खुशी के में फतेहाबाद शहर बसाकर नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल किले और सुरंगों का निर्माण करवाया था। यहाँ एक गोलाकार जो है स्तंभ भी है। फतेहाबाद की मस्जिद शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद सिरसा मार्ग से अमरकोट जा रहा था। उसने फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ एक मस्जिद बनवाने की घोषणा की। अमरकोट जा रहा था वो। अगला क्वेश्चन, अगला आगे क्या कहता है, मीर साहा मज़ार फतेहाबाद में सूफी संत मीर साह की मज़ार है। फतेहाबाद में सूफी संत में बाबा साह खान भी कहते हैं जिसे, इसे मज़ार के प्रांगण में एक बार क्या है बादशाह हुमायूं को अभिलेख भी उत्कीर्ण है। उसके बाद में टोहाना की बात करते हैं, तो टोहाना यहाँ का प्रसिद्ध इनकी उप तहसील भी है, हल्का भी जिसे कहते हैं, टोहाना से देवेंद्र बबली। टोहाना जिला फतेहाबाद की प्रमुख तहसील है। हरियाणा के जिला हिसार में हांसी के तहसील टोहाना का किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस किले पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए, और जिससे इसकी महत्ता और आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता काल में टोहाना एक विकसित नगर रहा, और सरस्वती के किनारे बसे इस नगर की चर्चा अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने भी की है।
तो कितना इम्पोर्टेंट है कि टुहाड़ा नगर की जो पूछेगा किसने की अष्टाध्यायी पाणिनि ने, ये याद रखना अंडरलाइन। उसके बाद में सन 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण के दौरान टुहाड़ा के लोगों को उसके उसके नाको चने चबाए थे। आगे सन 1752 में से 1798 तक ये फतेहाबाद रियासत का हिस्सा था। सन 1798 इस पर हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस ने कब्जा कर लिया और 1803 ईसा में अंग्रेज इस शासक बन गए। सन 1970 में इंदिरा गांधी राज के डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ था, यानी कि जो आईजी कॉलेज टोहाना के अंदर है वो कब 1970 में स्थापित हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईजी कॉलेज में वाला जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे जो फतेहाबाद के होंगे उन्हें, तो भाई आपको पता ही है कि फतेहाबाद के अंदर आईजी कॉलेज है। तो 1970 में स्थापित हुआ था, इसका पूरा नाम इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ से पांच नहरों के निकलने के कारण टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बहुत बार कि नदियों का नगर कौन सा है फत टोहाना को, क्योंकि टोहाना के अंदर आपको पता है कि नहर आती है भांगड़ा नहर। और टोहाना के जिन लोगों ने राव तुलाराम और 1857 की क्रांति में सहयोग दिया वे रिसाला के नाम से राव तुलाराम की सेना में थे। चीनी यात्री हेनचांग 639 ईसा में यहाँ आए थे और इस नगर की प्रशंसा की। टोहाना को सन 1890 में रेल से जोड़ दिया गया। पूछेगा 18 रेलवे यहाँ रेल लाइन कब आई, यहाँ रेलवे स्टेशन कब बना, तो 1890 में। आगे देख लेते हैं तो फतेहाबाद के ये देखिएगा प्रमुख नगर प्रमुख गांव कुछ जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि अलिका पूछेगा ये अभी फतेहाबाद के अंदर है, जाखड़ है जो मतलब हरियाणा पंजाब की सीमा में स्थित है, मतलब फतेहाबाद के अंदर जो प्रमुख रेलवे स्टेशन भी जाखड़ के अंदर ही है और एक टोहाना के अंदर है, मतलब ज़्यादा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह कि फतेहाबाद के अंदर मतलब फतेहाबाद के अंदर वहाँ फतेहाबाद सेंटर जिला है वहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, वो यहाँ से भट्ठू से होकर के रेलवे लाइन जाती है, यानी कि भट्ठू से होकर के जाती है रेलवे लाइन, लेकिन फतेहाबाद के अंदर नहीं है। काफ़ी बार मुद्दा उठाया गया सरकार के, अब जैसे उठाया गया था कि फतेहाबाद के अंदर से मतलब भट्ठू से रेल को जोड़ा जाए या फतेहाबाद से जो आप रतिया से होते हुए और इधर आपका टोहाना से या फिर रतिया से जाखड़ से जो मतलब रेलवे लाइन निकालने का प्रस्ताव रखा गया है, लोगों की डिमांड है, ठीक है। और देखते हैं कब तक पूरा होता है। और एक और रेल प्रमुख रेलवे स्टेशन है यहाँ आपका जमालपुर, जमालपुर शेखा, यहाँ पर भी क्या है रेलवे लाइन है, ठीक है जमालपुर, ठीक है। तो यहाँ रेलवे लाइन कहाँ कहाँ पर है, रेलवे लाइन देखिएगा आपकी यहाँ टोहाना जाखड़ की तरफ जाती है और यहाँ पर भी है इधर। उसके बाद में आपका जो इधर भट्ठू से सरसा से आती है इधर पंजाब भट्ठू से और इधर आगे हिसार की तरफ निकल जाती है, लेकिन फतेहाबाद में नहीं है। और बुन्ना भी प्रमुख शहर है, ठीक है यहाँ का ठीक है। उसके बाद में और यहाँ के कुछ गांव, गोरखपुर आपको जानते हैं कि परमाणु संयंत्र जो निर्माण कार्य चल रहा है अब गोरखपुर के अंदर, ठीक है। तो गोरखपुर की लोकेशन आप इसके अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ इसके पास बोडिया खेड़ा गांव है, ठीक है धननगर है, ये कुछ गांव से रिलेटेड कुछ स्टोरीज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ के गांव झारसुगला लद्दा परतन। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आप क्योंकि अब जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, कुछ गांव जो इम्पोर्टेंट है वो हर बार मतलब जो चर्चा में रहते हैं उनको पूछ लिया जाता है, तो वो याद रखने चाहिए आपको, मतलब थोड़ा सा होना चाहिए। सारे तो याद नहीं कर सकते हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। कई बार मिलान की तरफ से पूछ लिया जाता है कि ये जिला है, ये गाँव है, ये किस जिले से रिलेटेड है, मतलब ये शहर है ये किस से रिलेटेड है, तो ये आप ठीक है। और बादलगढ़ जो है वो फतेहाबाद और मतलब फतेहाबाद यानी कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बाउंड्री पर स्थित है, इधर पंजाब आ जाता है। अलिका भी यहाँ का, ठीक है भट्टू भी सीमा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद दरियापुर वोदियाखेड़ा, तो ये था आपका फतेहाबाद जिले का मैप के साथ। और ये देख लेते हैं, हाँ देखिए आपका जो रिवर्स का पैटर्न और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से मतलब रेलवे लाइन आपको दिखाई रखी है, तो पिरथला ये देखिए कौन कौन से गुजरवाड़ा पिरथला से होकर के इधर हिसार की तरफ चली जाती है रेलवे लाइन, और यहाँ पिरथला जमालपुर, ठीक है ये मैप्स के अंदर देख सकते हैं कहाँ का रेलवे स्टेशन है यहाँ। और ये देखिएगा
यहाँ जाखड़ जंक्शन है और टोहाणा के अंदर है रेलवे लाइन। तो देखिएगा कि यानी कि जो आपका उत्तरी पूर्वी इलाका है, फतेहाबाद जिले का उत्तरी पूर्वी इलाका है, वहाँ पर ही क्या है रेलवे स्टेशन है, इधर नहीं है। यहाँ पर क्या है बसों से यात्रा करते हैं लोग या खुद के साधन से यात्रा करते हैं, तो ठीक है। और उसके बाद में जो घग्गर रिवर है वो देख लेते हैं। घग्गर रिवर देखिएगा पैटर्न, या वो घग्गर रिवर यहाँ दिखा रखिए, घग्गर घग्गर रिवर, घग्गर नदी जो यहाँ से देखिएगा आपकी इधर सरसा के अंदर चली जाती है, इसकी ब्रांच है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है इस प्रकार सहायक सी ये नालियाँ, ये क्या है मतलब जो गंदे नाले जिन्हें हम बोलते हैं वो बनाए गए हैं, वो ठीक है, वो सीधे किससे लिंक कर दिए गए हैं, ठीक है, वो इनसे यानी कि इससे अटैच कर दिए गए हैं, ठीक है, इसके पानी को मतलब कम करने के लिए, मतलब सिंचाई। जैसे कि ये घग्गर रिवर जो उत्तराखंड से आती है, ठीक है, तो वहाँ से हिमाचल से आती है, तो वहाँ से ठीक है उसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे सिंचाई भी करते हैं कुछ लोग। जहाँ जैसे आगे सिरसा के अंदर जाके क्या इस पानी की सिंचाई की जाती है, क्योंकि जब धान की बिजाई की जाती है उस टाइम पानी कम होता है, ठीक है, बरसात का पानी बहुत ज़्यादा होता है तो बाढ़ आ जाती थी कई बार, ठीक है। तो उससे बचने के लिए जो सहायक नाले बनाए गए, एक नाला जो फतिवाज के पास से होकर निकलता है, ठीक है, तो वो भी है, और बहुत सारे नाले बनाए गए हैं। तो मेन जो घग्गर रिवर है वो रतिया, रतिया जो शहर आपका यहाँ का प्रमुख ब्लॉक है। अरे यार बीच में वीडियो बनाओ।